लोग कार्यकर्ता हैं टीएमसी के जो इलाकाई तौर पे काम करते हैं, उन्होंने हमने कहा कि भैया तुम लोग तो एक ब्लड डोनेशन कैंप हो या एक पूजा पंडाल हो तो ममता बनर्जी का फोटो लगा देते हो। अरे एक बैनर लगाओ ना ममता बनर्जी का फोटो डालकर और उसमें कहें कि हम फलस्तीन के साथ हैं, फलस्तीन के आवाम के साथ हैं। एक कलकत्ता में बैनर लगाओ ना, किस चीज़ का डर है? को किसका डर है? डर यही है कि आरएसएस गुस्सा हो जाएगा, मोहन भागवत गुस्सा हो जाएगा, नागपुर को नाराज। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस चीज़ को यहूदी और मुसलमानों का झगड़ा समझ रहे हैं। ये झगड़ा यहूदी और मुसलमानों का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा फलस्तीन के अवाम के अधिकार का झगड़ा है, उनकी ज़मीन का हक का झगड़ा है जो वो लड़ रहे हैं, और इसराइल की जो फैसिस्ट ताकत है वो उस पर बर्बरियत और जुल्म कर रही है। ये बेगैरत मोदी सरकार पहली बार इसराइल के पक्ष में खड़े होने का काम कर रही है, और हिंदुस्तान का आवाम जो है, भारत का आवाम, इंडिया का आवाम फलस्तीन के पक्ष में खड़ा है। तो उनको उतरना चाहिए, रास्ते में उतर के लड़ना चाहिए, और ये लड़ाई या संग्राम आंदोलन शुरू हुआ तब जाकर भारत सरकार जो है प्रेशराइज होकर वो एड भेज रहे हैं। एक ये लोग कौन है? आप मीडिया वाले लोग इस तरह के बेहुदा लोगों का नाम लेकर इन लोगों को पॉपुलर करते हैं, ये लोग कौन हैं? इन लोगों ने हिंदुस्तान का संविधान नहीं पढ़ा, इन लोगों ने हिंदुस्तान की जमहूरियत से कोई वास्ता नहीं, इन लोगों को हिंदुस्तान के डाइवर्सिटी से कोई मतलब नहीं, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता से कोई मतलब नहीं। ये लोग पैरासाइट्स हैं, ये लोग दियक हैं हिंदुस्तान के लिए, जो रोज़ बरोज़ हिंदुस्तान में आवाम के अंदर नफ़रत का माहौल पैदा करने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। क्लियर कर दें कि ये मसला दो धर्मों का मसला नहीं है, ये मसला जो है ये इसराइल एक फैसिस्ट ताकत वाला राष्ट्र है, जिनको फलस्तीनियों ने जब उन पर जुल्म हुआ, जब उन पर बर्बरियत हुआ तो उन्होंने जगह दी, पनाह दी, और आज जो है अमेरिका की मदद से, मार्किंग साम्राज्यवाद की मदद से इसराइल फलस्तीन की ज़मीन को दखल करना चाहता है, और फलस्तीन के लोग जो हैं उस अपनी आज़ादी के अधिकार के हक के लड़ाई को लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस चीज़ को यहूदी और मुसलमानों का झगड़ा समझ रहे हैं। ये झगड़ा यहूदी और मुसलमानों का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा फलस्तीन के अवाम के अधिकार का झगड़ा है, उनकी ज़मीन का हक का झगड़ा है जो वो लड़ रहे हैं, और इसराइल की जो फैसिस्ट ताकत है वो उस पर बर्बरियत और जुल्म कर रही है। ऐसा है कि 57 और 58 मुल्क की बात नहीं है, बात यह है कि कौन सा मुल्क और कौन सा उस मुल्क का जो लीडर है वो किसके पक्ष में खड़ा है। हमको अपना स्टैंड साफ़ करना होगा। हिंदुस्तान की जो सरकार रही है, चाहे वो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, हम लोगों ने हमेशा मजलूमों के पक्ष में खड़े होने का काम किया है, और हम लोगों ने हमेशा फलस्तीन के पक्ष में खड़े होने का काम किया है। ये बेगैरत मोदी सरकार पहली बार इसराइल के पक्ष में खड़े होने का काम कर रही है, और हिंदुस्तान का आवाम जो है, भारत का आवाम, इंडिया का आवाम फलस्तीन के पक्ष में खड़ा है। सरकार की तरफ से ऐड गया है, वो हमारी भारत सरकार की तरफ से ऐड गया है, बाद में गया इसलिए कि जब आवाम ने आवाज़ उठाई, आवाम ने कहा कि ये गलत हो रहा है, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, और इस जुल्म के खिलाफ हम लोगों को उतरना चाहिए, रास्ते में उतर के लड़ना चाहिए, और ये लड़ाई या संग्राम आंदोलन शुरू हुआ तब जाकर भारत सरकार जो है प्रेशराइज होकर वो एड भेज रहे हैं। एक तरफ वो एड तो भेजे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसराइल के पक्ष में शुरू दिन से इसराइल के पक्ष में अपना जो मैसेज है आवाम को देने की कोशिश की, और करने के बाद हिंदुस्तान में जैसे हिंदू और मुसलमान के नाम पर जिस तरह से राजनीति होती है, उसको उन लोगों ने यहूदी धर्म को इस्तेमाल करके, देखो कि यहूदी धर्म वाले जो हैं मुसलमान पे जुल्म कर रहे हैं और हम लोग जो हैं उसका समर्थन कर रहे हैं, एक ऐसा मैसेज जो है हिंदुस्तान के आवाम को देने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान के जमहूरी पसंद आवाम जो है वो फलस्तीन के हक में खड़े होने का काम किए, जिससे सरकार प्रेशराइज होकर एड भेज रही है। एक कौन है? ये लोग कौन है? आप मीडिया वाले लोग इस तरह के बेहुदा लोगों का नाम लेकर इन लोगों को पॉपुलर करते हैं, ये लोग कौन हैं? इन लोगों ने हिंदुस्तान का संविधान नहीं पढ़ा, इन लोगों ने हिंदुस्तान की जमहूरियत से कोई वास्ता नहीं, इन लोगों को हिंदुस्तान के डाइवर्सिटी से कोई मतलब नहीं, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता से कोई मतलब नहीं। ये लोग पैरासाइट्स हैं, ये लोग दियक हैं हिंदुस्तान के लिए, जो रोज़ बरोज़ हिंदुस्तान में आवाम के अंदर नफ़रत का माहौल पैदा करने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं। आरएसएस एक फैसिस्ट ताकत है, और इसराइल में जो अभी हुकूमत है नेतन्याहू का, वो भी एक फैसिस्ट ताकत है। तो चोर चोर मौशेरे भाई हैं ये लोग, आपको ये समझना होगा। इनका हिटलर आदर्श है, आरएसएस का हिटलर आदर्श है, हमारा भगत सिंह आदर्श है,
उनका हिटलर आदर्श है। तो जब जो भी फैसिस्ट ताकत है पूरी दुनिया में, इन लोगों का काम ये होता है कि मजलूम पर, कमज़ोर पर जुल्म करके अपनी राजनीतिक हुकूमत कायम रखना। जब वॉर भी होता है ना, तो उसका भी एक कानून है, उसका एक नियम है, उसका एक तरीका है। हॉस्पिटल पे बम इसराइल कानून इसलिए नहीं मानती, जो फैसिस्ट होते हैं वो कानून नहीं मानते, वो संविधान नहीं मानते, वो जमहूरियत नहीं मानते हैं। तो फैसिस्ट लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। कुछ लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये आपसे हाथ जोड़कर हम निवेदन करते हैं कि ये झगड़ा यहूदी और मुसलमानों का नहीं है। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा बहुत सारे यहूदी मज़हब के मानने वाले लोग भी फलस्तीन के हक में खड़े हैं। जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व एक नहीं है, उसी तरीके से यहूदी, जुइस्ट और ज़ायनवाद एक नहीं है। ज़ायनवाद एक राजनीतिक एजेंडा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में आरएसएस का हिंदुत्व एक राजनीतिक एजेंडा है, ठीक उसी तरीके से इसराइल में यहूदी धर्म के नाम पर ज़ायनवाद का इस्तेमाल कर वो उन लोगों का राजनीतिक एजेंडा है। और ये चोर मौशरे भाई एक दूसरे के साथ खड़े नज़र आते हैं। अगला मस्जिद अक्सा, और आप लोग बार फिर चीज़ को वहीं ले जा रहे हैं, आप मस्जिद और यहूदी का जो ग्रंथ धर्म स्थल है, झगड़ा उस चीज़ का नहीं है। आपको समझना होगा, आपको जियोपॉलिटिक्स को समझना होगा। आसपास में तो आपने कहा कि इतने सारे कंट्री हैं, सिर्फ मीटिंग हो रहा है, ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। कैसे करेंगे? अरे आज अगर आपको तेल खरीदना होता है तो आपको डॉलर में तेल खरीदना पड़ता है, आप रियाल में तेल नहीं खरीद सकते, आप दूसरे किसी करेंसी में तेल नहीं खरीद सकते। क्यों डॉलर में खरीदना पड़ता है? क्योंकि अमेरिका ने अरब कंट्री को इस तरह से जकड़ कर रखा है अपनी कूटनीतियों के जरिया, ताकि वो लोग उसके खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इसराइली प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहे हैं, आप क्या कहिए इस बारे में? देखिए, इसराइली प्रोडक्ट का बायकॉट करना वो आपकी व्यक्तिगत आज़ादी है कि हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मसला का हल यही है कि फ़लस्तीन के लोग संघर्ष कर रहे हैं, फ़लस्तीन के लोग तहरीक कर रहे हैं अपने आज़ादी की, अपने अधिकार के लिए। हिंदुस्तान के लोग एक वक्त में अंग्रेज़ों के ज़रिया हम पे भी जुल्म किया गया, हमको भी कब्ज़ा बंधक रखा गया, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, हम लोगों ने अपनी ज़मीन के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा, हम लोगों ने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा और लड़कर अपने देश को आज़ाद करवाया। ठीक उसी तरीके से फ़लस्तीन के लोग आज लड़ रहे हैं। और हमारा जो परंपरा रहा है, हमारा जो ट्रेडिशन रहा है हिंदुस्तान के लोगों का, कि कमज़ोर लोगों के पक्ष में खड़ा होना, जिस पे जुल्म हो रहा है उसके पक्ष में खड़ा होना, ना कि जिस जो जुल्म कर रहा है उसके पक्ष में। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ये लोग नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी आरएसएस के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करती। उनका जो नुस्खा है ना, प्रिस्क्रिप्शन, वो नागपुर से तैयार होकर आता है। उनकी औकात नहीं है कि एक ट्वीट कर दे या एक लफ्ज़ बोल दे, रास्ता में उतरने की दूर की बात है। हम लोग लाल झंडे वाले लोग, हम लोग अपना राजनीतिक उद्देश्य, मकसद को छुपाते नहीं हैं, जो है वही बोलते हैं। डरती नहीं है भाई। आपको वो इंटरव्यू याद है ममता नरेंद्र मोदी का, कि उन्होंने कहा था कि दीदी हमको कुर्ता और मिठाई भेजती है। डरेंगे क्यों डरेंगे? कोई डर नहीं है। अभिषेक बनर्जी का मामा का नाम है नरेंद्र मोदी, उनका भाई है भाई, वो तो कहती हैं, तो डरने की क्या बात? उनसे अच्छा रिश्ता है उनका, पूरे बंगाल के आवाम जानते हैं। उनकी राजनीतिक शुरुआत तो बीजेपी का हाथ पकड़ के, आरएसएस का हाथ पकड़ कर हुआ है। अरे इन लोगों के आवाम के हुकूक से कोई मतलब नहीं, इन लोगों को अपनी गद्दी से मतलब है। अगर मेरी गद्दी के लिए अगर 1000 मासूम की जान लेना पड़े, जिस तरह से इसराइल ले रहा है, जिस तरह से आरएसएस दंगा भड़का कर लेता है, तो ले लेंगे। अगर 2,00,000 पेड़ काटना पड़े, किसी जंगल में आग लगाकर इन्वायरमेंट को बर्बाद करना पड़े, तो भी ये लोग करने को तैयार हैं। हकीकत में ये लोग मुफाद परस्त लोग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मुफाद के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। किसी के हुकूक को लेकर इनका कोई मतलब नहीं है। आरएसएस के खिलाफ जाने का हिम्मत है? अरे ममता बनर्जी एक दिन खड़े होकर किसी स्टेज में कह सकती है कि आरएसएस मुर्दाबाद, इतना ही कहकर दिखा दे, या टीएमसी का कोई नेता कहकर दिखा दे, अभिषेक बनर्जी कहकर दिखा दे, या इतना मंत्री, एक पता नहीं आधा मंत्री जेल में है, आधा मंत्री तो बाहर है, याद भी नहीं रहता है। तो खैर, जो जेल में है, जो बाहर में है, जो लोग भी हैं, वो कोई भी मंत्री कह के दिखा दे कि आरएसएस मुर्दाबाद, क्यों नहीं कहते? किस चीज़ का डर है? अरे वही तो बात है भाई, इसराइल ट्वीट करेंगे वो? उनको तो मतलब मैंने कहा जो लोग कार्यकर्ता हैं टीएमसी के, जो इलाकाई तौर पे काम करते हैं, हमने कहा कि भैया तुम लोग तो एक ब्लड डोनेशन कैंप हो या एक पूजा पंडाल हो तो ममता बनर्जी का फ़ोटो लगा देते हो। अरे एक बैनर लगाओ ना ममता बनर्जी का फ़ोटो डालकर, और उसमें कहें
कि हम फलस्तीन के साथ हैं, फलस्तीन के आवाम के साथ हैं। एक कलकत्ता में बैनर लगाओ ना, किस चीज़ का डर है, को किसका डर है? डर यही है कि आरएसएस गुस्सा हो जाएगा, मोहन भागवत गुस्सा हो जाएगा, नागपुर को नाराज़ नहीं करना है।